नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 2 साल में मात्र करीब आपको 3300% के आसपास रिटर्न देता हुआ दिखेगा। और जुलाई 2020 में ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, क्योंकि इसका प्राइस अराउंड 12 रुपया के आसपास चला करता था। लेकिन वहां से ये शेयर एक बार के लिए 500 रुपये को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती हुई दिखी और करंट टाइम में ये 467 रुपये पर चल रहा है। और उस स्टॉक का नाम है केशव्स इंडिया लिमिटेड, जो 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी आईटी सेक्टर से आती है और इसके बिजनेस को देखें तो मेनली ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेस सोल्यूशन, कंसल्टिंग और आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अक्रॉस द सेक्टर बहुत सारे कंपनीज को, जिसमें रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर जैसे कुछ सेक्टर शामिल है। ये कंपनी मेनली डिजाइन, डेवलप और सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सोल्यूशन का मेंटेनेंस का काम करती है। साथ ही ये कंपनी न्यू एप्लीकेशंस क्रिएट करती है और जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसके फंक्शनैलिटी को डेवलप करिए और इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ये कुछ टेक्नोलॉजीज पर भी काम करती है, जैसे सेल्सफोर्स, AI, AR, VR, IoT, चैटबॉट एक्सेट्रा। करंट टाइम में ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है और मार्केट कैप इसका काफी आपको छोटा देखने को मिलेगा, जो 553 करोड़ के आसपास है। करंट टाइम में इसका स्टॉक P33 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज काफी हायर साइड में आपको देखने को मिलेगा और ये 140% के आसपास है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 106% के आसपास है, जिसको बहुत ही बड़ा या ज्यादा हम कर सकते हैं। ओवरऑल इस कंपनी के ROCE हो, ROE हो, इसका कंपैरिजन इसके पीयर्स से करके देखें तो ये आपको काफी ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि बेस्ट सिचुएशन में इसके पीयर्स का ROCE हो या ROE हो आपको 30-35% के आसपास देखने को मिलेगा। करेंट मार्केट प्राइस इसका 467 रुपया है, बुक वैल्यू 13.80 रुपया है, यानी इसके शेयर मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू का कंपैरिजन करके देखें तो रियलिटी में कोई उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर गैप बहुत बड़ा बन रहा है। पिछले 1 साल में इस शेयर ने 293 रुपये का लो और 519 रुपये का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी ठीक ठाक नजर आती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका करीब 2.5% के आसपास रहा है। अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स लिस्ट पर नजर डालें तो मात्र एक चीज जो इस कंपनी के अगेंस्ट में फिलहाल जाती हुई दिख रही है, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से करीब 34 गुना ज्यादा चल रहा है। जबकि पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी प्रोस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा रहने वाला है। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी हाई और करीब 277% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से काफी हाई है और ये करीब 111% है, जबकि डिविडेंड देने के मामले में भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, क्योंकि डिविडेंड पेआउट का परसेंटेज इसका करीब 40% के आसपास है। वैसे जितना भी डिटेल अब तक हमने देखा केशव्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, सब केवल गुडी गुडी नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये शेयर फ्यूचर में एक बार फिर से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को, जिस तरीके से इसने पिछले 2 साल में दिया है? करंट टाइम में शॉर्ट एनालिसिस पर ये कंपनी कितना खरा उतरती है और जितना मार्केट कैप है इस कंपनी का प्रेजेंट टाइम में, क्या उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस जस्टिफाइड है, ये डिटेल हम देखें। उसके पहले इसके लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, कुछ एनुअल रिपोर्ट को देखते हुए बैलेंस शीट देख लेते हैं, ताकि हमको एक आइडिया लग सके फंडामेंटली ये कंपनी कितना स्ट्रांग नजर आ रही है। जून 2022 का जो रिजल्ट इस कंपनी का आया था उसके अकॉर्डिंग न सिर्फ इसका सेल्स अच्छे रेट से ग्रो होता हुआ दिखेगा, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और OPM का परसेंटेज भी लगातार इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। जून 2022 में इसका सेल्स 16 करोड़ का होता है, जो एक क्वार्टर पहले करीब 13.5 करोड़ था और सेम क्वार्टर 1 साल पहले आपको 9.5 करोड़ के आसपास दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 4.5 करोड़ था जून 2021 में, 5.79 करोड़ होता है मार्च 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में, और अगले क्वार्टर में एक बार फिर से यहां पर बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये 7.75 करोड़ के आसपास जा पहुंचा है। OPM परसेंटेज आपको इस पीरियड में 46.46% में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखेगी और यहां से ये 42.60% और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 45% तक पहुंचा है। इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम परसेंटेज वाइज देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 1 साल में 77% होता है, 3 साल में 103%, 5 साल में 93%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का पिछले 1 साल में 51% रहता है, 3 साल में 357% और 5 साल में 277%। बैलेंस शीट में जो इसके मेजर पार्ट्स है वहां पर कोई खास डिटेल नहीं दिया हुआ है,
क्योंकि जिस कैप की ये कंपनी है वहां पर अमूमन ऐसा देखा जाता है रिजर्व्स हो या बोरिंग्स हो उनका खास डिटेल नहीं दिया रहता है। और इसका भी रिजर्व्स लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 के हिसाब से 5 करोड़ दिखा रहा है, जबकि कंपनी के ऊपर कुछ मामूली कर्ज है जो शायद कुछ लाखों में है, इसलिए यहाँ पर जीरो तो दिख रहा है लेकिन ये निगेटिव नजर आ रहा है। शॉर्ट एनालिसिस में भी ये कंपनी फिलहाल काफी स्ट्रांग नजर आ रही है क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 13, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 15 पॉइंट बन रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 2, थ्रेट 1, मात्र 3 पॉइंट ही बन रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम पर नजर डाले तो न सिर्फ इस शेयर का प्राइस परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा बल्कि वॉल्यूम एनालिसिस में शेयर में जो ट्रेडिंग चल रही है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज भी आपको काफी हाई होता हुआ नजर आएगा। इसलिए एक सप्ताह में इस शेयर का प्राइस नेगेटिव 0.54% के रेट से ग्रो करता है, 1 मंथ में 22.29%, 3 महीने में 30.15%, ईयर टू डेट में यहाँ पर 34.04% रिटर्न आता हुआ दिखेगा, जबकि पिछले एक साल में ये 44% आता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए तो जिस तरीके से इसके शेयर में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ऑन एवरेज 1 महीना डेटा के हिसाब से इसका करीब 39,000 शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 73% के आसपास रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से 18,000 शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से हाई और करीब 70% रहता है, जबकि एक दिन पहले का भी अगर आप डेटा देखें तो यहां पर भी आपको शेयर ट्रेड होता हुआ जो दिखेगा 18,000 है और डिलीवरी का परसेंटेज पिछले एक महीना में सबसे हाई यहाँ पर नजर आएगा क्योंकि ये करीब 42.5% के आसपास है। वॉल्यूम एनालिसिस में डिलीवरी का परसेंटेज इतना हाई का सीधा सा मतलब है अभी भी लोग इस शेयर को लगातार बाय करते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज इतना देखने को मिल रहा है और जो लोग भी ये डिलीवरी ले रहे हैं शायद उनका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा जिस तरीके से इस शेयर ने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरीके से इसने अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, एक बार फिर से वो सेम स्टोरी रिपीट होती हुई नजर आएगी। केशव ऑप्शन इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है इंटरेस्टिंग वैल्यू इनसफिशियंट डेटा की वजह से तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने देखा इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर रेड जोन बनता हुआ दिखेगा। आरओई वर्सेस जब भी रेट ग्रीन जोन में है क्योंकि इसका आरओई एफडी रेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई है, डिविडेंड रिटर्न्स भी यहाँ पर इनसफिशियंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है लेकिन ये ग्रीन जोन में आना चाहिए क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को 0.2% के आसपास डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट इसका ग्रीन जोन में है क्योंकि फिलहाल ये ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है और एसएमजीएसएम का भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नो रेड फ्लैग भी आपको ग्रीन जोन में आता हुआ दिखेगा। दोस्तों केशव इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में रिटर्न की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जुलाई 2020 से अब तक 33-93% के आसपास रिटर्न दे चुका है और एक तरह से देखा जाए तो जब ये शेयर करीब 12-13 रुपया पर जुलाई 2020 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तब से ये वन वे ट्रैफिक की तरह चला है और लगातार हाई पे हाई बनाते चला गया। फोरकास्ट में कोई भी डिटेल नहीं होने की वजह से ना सिर्फ आपको इसका प्राइस फोरकास्ट ब्लैंक नजर आएगा बल्कि रेवेन्यू फोरकास्ट और अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट में भी कुछ चीजें नजर नहीं आएंगी। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री इस कंपनी का कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2021 में जो 68% के आसपास थी वो घट के जून 2022 क्वार्टर में 62.5% के आसपास जा पहुंची है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग लगातार आपको इस पीरियड में 0% पर ही नजर आएगा क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इस शेयर में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बावजूद इसके लगातार इसका शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है पिछले 2 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी कोई खास इंटरेस्ट इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा है, इसने सितंबर 2021 क्वार्टर रिपोर्ट तक ये बिल्कुल ही 0% नजर आएगा। दिसंबर 2021 क्वार्टर में जरूर यहाँ पर थोड़ी सी चहल पहल देखने को मिलती है और शायद किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने एक हल्की सी क्वांटिटी इस शेयर में बाई की होगी जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन बनता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में यहाँ पर हल्की सी और बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखेगी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहां पर आपको 0.01% नजर आएगी। ओवरऑल जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कोई खास नहीं बन रहा है लेकिन उनकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई 0.07% पर जा पहुंचा है। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स की जरूर इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि मार्च 2021 में जो उनकी होल्डिंग 32% के आसपास थी जून 2022 क्वार्टर में ये 37.48% तक जा पहुंचा है। और इंस्टीट्यूशंस का भी इस शेयर में इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है, जून 2021 में जरूर एक बार के लिए 0.02% उनका होल्डिंग था लेकिन वहां से लगातार ये 0% ही आपको नजर आएगा। दोस्तों फाइनली मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो जरूर इस शेयर ने पिछले 2 साल में मल्टीपल रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को लेकिन जिस तरीके से किसी इंस्टीट्यूशंस का या म्यूचुअल फंड हाउसेस का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है
और इसके बिजनेस में फिलहाल बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसने आरओई को मेंटेन किया है वो काफी ज्यादा है और आने वाले टाइम ये सस्टेनेबल नहीं होगा। मार्केट कैप भी इसका काफी छोटा नजर आ रहा है, जो मात्र 500 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर इसके शेयर प्राइस को हम देखें तो काफी ज्यादा आपको नजर आएगा, भले ही इसका पी रेशियो 33 या 34 के आसपास है। फाइनली मैं अगर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करूं तो केशव इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस जिस रेट पर अवेलेबल है, मैं इसको परचेज करने से अवॉइड करूंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है जिसकी वजह से इसके आरओसी हो या आरओई हो लगातार 100 के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा शेयर प्राइस में जो हाइक आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है जिस मार्केट कैप की यह कंपनी है वहां पर प्रोमोटर कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इसके शेयर प्राइस को भी मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर सही हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 1-1.5 सालों में आईटी सेक्टर से जितनी भी मेजर कंपनियां आती हैं उनके शेयर प्राइसेस जबरदस्त तरीके से पिटते हुए नजर आए और मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में एक बहुत बड़ी गिरावट आती हुई देखी, लेकिन केशव इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नजर नहीं आता और पिछले 1 साल में अभी भी ये शेयर 40-45% का ग्रोथ नजर आ रहा है। हालांकि जितना रिसर्च एनालिसिस मैं किसी कंपनी या शेयर के बारे में करता हूँ वीडियो बनाने से पहले वो पूरा तौर तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा किसी भी सेफ रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे शेयर को बाई करने में परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, इसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में एक आपको बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखे जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में लगातार ग्रोथ चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।